तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 1 और अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। आज लेट सो के उठा क्योंकि कल रात को लेट सोया था एडिटिंग के वजह से, एडिटिंग की थी। तो अभी थोड़ा बाहर जाने का प्लान है, दोस्त के कॉलेज में जाना है। तो वो बोल रहा था कि चल सपोर्ट के लिए कंपनी देने, तो मैं भी फ्री था आज तो ठीक है बोला चलते हैं। अभी उसका वेट कर रहा हूँ आने का, वो आएगा अभी तो फिर निकलेंगे। अभी उसके कॉलेज के पास एक शायद से फेमस स्पॉट है नागपुर में घूमने के लिए, तो टाइम मिला तो वहाँ पे भी जाएंगे, दिखाते आपको आगे का। तो अभी हम, मेरा दोस्त तो आ चुका है, अभी हम जा रहे हैं उसके कॉलेज में, दिखाते हैं आपको। तो अभी हम उसके मतलब उसके साथ जा रहे थे कॉलेज में, तो उसको कुछ जेरोक्स निकालना है, तो अब जेरोक्स निकालने गया है वो। तब तक हम रुके, टाइम तो हो गई, करते उसका वेट तब तक, मिलते हैं आपसे। जेरोक्स तो निकाल के हो गया है, अभी ये हमारा दोस्त है तो गाड़ी निकल रहा है। अभी चलो बैठते, दिखाते आपको जाते जाते का सीन। फिलहाल तो हम पहुंच चुके हैं फ्रेंड के कॉलेज में और आपको दिखाता हूँ, ये अपना दोस्त स्वास्तिक पिचुल, टॉपर इस कॉलेज का। ये दो दोस्त हमारे चल रहे हैं, येलो शर्ट वाला जो है उसका नाम अथर्व है और जो रेड है वो स्वास्तिक है। मिलते हैं आपसे अंदर। उसका काम तो हो चुका है, अभी जा रहे हैं कॉलेज के बाहर। कॉलेज के जस्ट बाजू में एक फेमस स्पॉट है, आपको बोला था व्लॉग चालू करने के पहले, उधर जाते हैं, दीक्षा भूमि करके है, तो वहाँ का आपको दिखाते हैं सीन कैसा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर। तो फिलहाल हमें एंट्री तो मिल चुकी है, लोग भी ज़्यादा नहीं है, मुझे लगा कि कोविड की वजह से एंट्री नहीं मिलेंगे लेकिन मिल गई है। वहाँ पे आगे एक फ़ोटो सेशन चल रहा है, अब जाते हैं अंदर दिखाते। शायद से अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, मतलब फ़ोटो भी निकालना अलाउड नहीं है, इसलिए बाहर ही निकाल रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू भी लगे हैं, इधर देख सकते हो आप। इधर 14 अप्रैल को बहुत बहुत भीड़ होती है क्योंकि उनका बर्थडे जो रहता है तो उसका सेलिब्रेशन करते हैं। तो ये जो दिखता है आपको, इसी को दीक्षा भूमि कहते हैं, नागपुर में बहुत फेमस है। चलिए अब देखते हैं अंदर, अलाउड होगा तो करेंगे शूट, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। चलो
तो बाहर आ चुके हैं, वो दीक्षा भूमि के सामने जस्ट एक ट्री है बोधी ट्री करके, तो बहुत सालों से ये ट्री है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए सब किया है इधर। तो दिखाते हैं आपको ट्री, बहुत पुरानी होने की वजह से इसके ब्रांचेस बहुत लंबे लंबे हो चुके हैं, तो उनके सपोर्ट के लिए ये स्टैंड लगा देख सकते हैं आप। यहाँ पे कंपाउंड जैसे बनाई है मतलब प्रोटेक्शन के लिए, अंदर तो जा नहीं सकते। अभी हम फिलहाल बैठे थे ये पेड़ के नीचे, अभी ये दोनों तो बैठे ही है अभी, तो अभी मेरे को कुछ सामने दिख गया, वो मैं रीड कर रहा था 22 वॉव्स एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मोस्ट रिवर्ड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तो आपको भी दिखाता हूँ आगे का। तो आप देख सकते हैं ये है वो स्टैचू सामान, मतलब स्टैचू ही शायद से बना है, 22 वॉव्स इस पर लिखे है पूरे, इधर इंग्लिश में लिखा है पढ़ सकते हैं आप, देख सकते हैं इधर से, और इधर हिंदी में लिखा है इधर साइड में। यहाँ पे भी छोटा गार्डन है लेकिन वहाँ पे मतलब एंट्री नहीं है अंदर, ये ऑफिस है इधर का। तो चलिए अब चलते हैं, शायद घर जाएंगे नहीं तो फिर जाते जाते कहीं पे जाने का प्लान बना तो वहाँ पे जाते। तो फिलहाल अब हम जा रहे हैं घर, कहीं जाने का तो प्लान बना नहीं तो डायरेक्ट घर जा रहे हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, दिखाते हैं आपको आगे का सीन। तो मैं पहुंच चुका हूँ घर, अभी जाते हैं अंदर थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर ट्यूशन भी जाना है तो मिलते हैं आपसे। तो फिलहाल अभी ट्यूशन के लिए निकल चुके हैं, दोस्त के साथ जा रहा हूँ, अब पेट्रोल भर लिया गाड़ी में, अब चलिए ट्यूशन जाते हैं, आज तो लेट। तो हम पहुंच चुके घर के पास, अब चलते घर, वो घर के पास ही अब प्रोग्राम है, वहाँ पे खाना खाने जाना है, चलते दिखाते आप। तो फिलहाल हम पहुंच चुके घर में, खाना खा के आ गए थे, वो घर के पास ही प्रोग्राम था, तो अब सोने जाते हैं, सोने के पहले एडिटिंग भी करनी है, एडिटिंग करते सोते, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। चलो तब तक के लिए बाय, व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू।